वेल दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी ने देखा, अनुज जो है वो अनुपमा से बेहद प्यार करता है। और अनुपमा जब अपने प्यार का इजहार कर देती है सभी के सामने, तो अनुज जो है श्रुति की सारी बातों को जान लेता है। उसके बाद उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो कहता है कि श्रुति जो है वो अनुपमा के साथ ऐसे हरकत कैसे कर सकती है। और यही वजह है कि अनुज अपना रिश्ता श्रुति से तोड़ लेता है, अपने इंगेजमेंट रिंग जो है वो उतार कर श्रुति को दे देता है। लेकिन आगे क्या होता है आइए जानते हैं। वहाँ से जब अनुपमा ये सारी चीज़ें देखती है और अपने प्यार का इजहार कर देती है सबके सामने, वहाँ से वो भाग कर जाती है किसी एकांत स्थान पर। और वहाँ पर वो बहुत रो रही होती है और वो खुद को ब्लेम कर रही होती है कि आखिर ये सब कैसे हो गया, मैंने ही अनुज को छूट दी होगी, या फिर मैंने ही कोई ऐसी गलती की होगी जिसकी वजह से अनुज को बढ़ावा मिला होगा और वो फिर एक बार मेरी तरफ आकर्षित हुए होंगे प्यार करने के लिए। ये सारी बातों का ब्लेम वो खुद को करती नजर आ रही है। तभी बारिश हो जाती है और वहाँ पर पहुँच जाते हैं अनुज अनुपमा को ढूंढते ढूंढते। वैसे आप सबको पता ही है कि अनुज और अनुपमा एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। अनुपमा जो है वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती है और अनुज अपने प्यार को जताने का एक भी मौका अनुपमा के साथ नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि अनुज जो है अनुपमा के पास जाते हैं। अनुपमा जैसे ही उसे कुछ बोलने की कोशिश करती है, अनुज बोलती है तुम चुप रहो, इस बार तुम कुछ नहीं बोलोगी, इस बार सिर्फ और सिर्फ मुझे बोलने दो। तो अनुज बोलना शुरू करते हैं कि 5 साल पहले मैं तुमसे इतना प्यार करता था और आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। अनुज ये भी कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम भी मुझसे बेहद प्यार करती हो, लेकिन तुम सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर देती हो, सिर्फ मेरे सामने तुम अपने प्यार का इजहार आखिर क्यों नहीं कर पाती हो। मुझे पता है कि तुम आज भी मुझसे बेहद प्यार करती हो, तुम एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इतना कहकर अनुज जो है वो अपने प्यार का इजहार उस बारिश में करते हैं, जहाँ पर वो अनुपमा को गले लगा लेते हैं, अनुपमा को कसकर पकड़ लेते हैं और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं। तो इस तरह से अनुज जो है अपने प्यार का इजहार अनुपमा के साथ करते हैं और अनुपमा जो है वहाँ से फिर भागी भागी आती है। जब भागी भागी आती है तो अनुज कहते हैं कि अगर तुम मुझसे अभी भी थोड़ा सा भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार होगा तो तुम पीछे पलट कर जरूर देखोगे। और अनुपमा कुछ देर जाकर दूर जाकर अनुज को पीछे पलट कर देखती है। अनुज खुशी से पागल हो जाते हैं। उसके बाद अनुपमा जो है वो अपने घर जाती है जहाँ पर देविका होती है। वहाँ पर भी अनुपमा खुद को ब्लेम करती है कि मेरी ही सारी गलती है, मैंने ही बढ़ावा दिया है, मैं श्रुति और अनुज के बीच आ गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अनुज के घर गई, मैंने उनका घर तोड़ दिया। ये सारी बातें अनुपमा जो है खुद को ब्लेम करती नजर आ रही है। और उसकी फ्रेंड जो है देविका, वो बोलती है कि ऐसा नहीं है अनुपमा, किस्मत तुम्हें एक और मौका दे रही है और इस मौके को यूं ही मत जाने दिया करो। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, वहाँ पर श्रुति आती है। श्रुति इनकी बातें सुनती है और उसके बाद वो आकर अनुपमा से माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इनसिक्योर थी, मैं नहीं चाहती थी कि अनुज और आप फिर से मान बन जाए, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक हो जाए, आप दोनों फिर से शादी कर ले और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताए। आद्या जो है मैं उसको आद्या को समझा दूँगी, तो आप चिंता मत कीजिए, अनुज और आप एक हो जाइए, एक होकर आप लोग US आइए। और वहाँ पर मैं इतनी आसानी से आप दोनों का पीछा तो छोड़ने वाली हूँ नहीं, वहाँ पर आइए आप और वहाँ पर मैं अपनी फेवरेट खाना बनवा कर आपसे खाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके हाथ का खाना। तो इस तरह से श्रुति बहुत सारी बात कहती है अनुपमा से और ये भी कहती है कि मैं तो वैसे भी अनुज से बहुत प्यार करती हूँ। और श्रुति जो है वो अपने घर में एक लेटर छोड़ कर आई होती है अनुज के लिए। उस लेटर में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी होती है। वो कहती है कि जिस तरह से तुमने अपने प्यार को पाने के लिए हर एक चीज़ों को ठुकराया, ठीक उसी तरह से मैं भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, तुमसे मैं बेहद प्यार करती हूँ। तो इस तरह से ये सारी बातचीत होती है। अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या अनुपमा अनुज को फिर से अपनी लाइफ में एंट्री करने देगी या फिर वो अनुज और श्रुति की शादी करा देगी। क्या लगता है आप सबको, इसके लिए एक कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ, जाते जाते हमें फॉलो और सब्सक्राइब करते जाइए।